जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। क्या बेदखली के बाद बेटे का पिता की प्रॉपर्टी में या दादा की प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है या नहीं होता है? ये जो आज की डेट में प्रोसेसिंग काफ़ी चल रहा है बेदखली का, कि बहू के कारण मैक्सिमम आज के जो बेदखली का कारण होता है वो मैक्सिमम 90% तो ये कारण होता है कि भाई बहू झूठे दहेज केस कर देगी, पसा देगी, बिना वजह से हरासमेंट हो जाएगा, उस कारण से बेदखली की जाता है लड़की को। लेकिन उसमें जो रियलिटी है उसका जो पता है लोगों को कि क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा रहता है या नहीं रहता है, उसके बाद क्या प्रोसेसिंग होता है, इसका क्या संबंध है, क्या इसका डिसएडवांटेज होते हैं, तो उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। जो भी आपके सवाल हो उनके सभी सवालों को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ये एंड तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़े, डिस्कशन को चेक करके आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, बेदखली करने के बाद जो पिताजी है तुम्हारे, जिसने सेल्फ खुद की मेहनत से खुद के पैसे से अगर कोई प्रॉपर्टी बनाया है तो उससे वो आपको बेदखल कर सकते हैं, परमानेंटली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप उनके साथ, बेटा बहू उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, हमेशा गाली गलौज करते हैं, उनकी केयरिंग नहीं कर रहे हैं, देखभाल नहीं करते हैं, उस सिचुएशन में पिता अपनी खुद की प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है, नो प्रॉब्लम किसी भी, चाहे वो उनकी खुद ही खरीदी हुई है, चाहे वो किराए पे रह रहे होंगे कहीं भी, घर में से भी बेदखल कर सकते हैं आपको, आपकी उनकी जो खुद की सेल्फ बनाई हुई खुद की प्रॉपर्टी, खुद के पैसों से, जैसे आफ्टर उन्होंने जो जॉब वॉब लगाया, कुछ भी बिजनेस किया, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी किया उससे बेटे को पूर्ण रूप से बेदखल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना ही वो चाहे तो उसमें हिस्सा भी दे, नहीं चाहे तो उसमें कोई हिस्सा भी नहीं दे सकते हैं वह, ठीक है। अभी आगे प्रॉपरली बात, भाई पिता की प्रॉपर्टी से तो आपको पूर्ण रूप से कोई अधिकार नहीं हो सकता किसी प्रकार से, लेकिन परंतु किंतु यहाँ पे एक सवाल आ जाता है फिर दोस्तों, अगर तुम्हारे पिताजी के पास प्रॉपर्टी दादा की मिली हुई है, जैसे पिताजी ने कुछ नहीं किया, पिताजी कहते हैं पुरुषों की ज़मीन मिली हुई है, आपके पिताजी को आपके दादा की ज़मीन मिली हुई है, तो उसमें पूर्ण रूप से आपका अधिकार होगा, ये 101% है। बेदखली के बाद भी आपका उसमें पूर्ण रूप से अधिकार होगा, आप अपना हिस्सा उसमें से दावा पेश कर सकते हो, उसका एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं आपको फिर अलग से। लेकिन पिता अगर खुद सेल्फ कराया, उनकी प्रॉपर्टी है, तो उसमें आप बेदखली होने के बाद किसी भी प्रकार से कोई हिस्सेदार नहीं रह सकते, चाहे तो उसको डोनेट भी कर दे, चाहे उनकी कोई केयरिंग गोद लेने वाला बच्चा भी रखते हैं उनको भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस आपकी दादा की प्रॉपर्टी है, पिता ने कोई भी अपनी सेल प्रॉपर्टी नहीं की है किसी भी प्रकार से, तो उस दादा की प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा डेफिनेटली आएगा। जैसे आप दो भाई हैं, पिता के दो भाई हैं, तो आपका एक 50% हिस्सा आएगा उसमें से, दादाजी की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बेदखली के बाद पिता की सेल्फ प्रॉपर्टी से आपको बेदखल किया जाता है, सेल्फ का जो उनका घर है तो उससे बेदखल किया जाता है आपको। लेकिन अगर आपके दादाजी का है, आप लोग उसके वंशज हो चुके हो, जिस दिन से आप पैदा हुए हो उस चीज़ से उस परिवार के वंशज आप हो चुके हो, ठीक है, तो आपके दादा की प्रॉपर्टी में आप हिस्सेदार रहते हो पूर्ण रूप से, आपको कोई भी अठा नहीं सकता उसमें, उसका दावा पेश कर सकते हो आप सिविल कोर्ट में जाके, उसका कैसे दावा पेश करते हैं क्या नहीं करते उसका एक अलग से डिमांड होगी अपने चैनल पर, तो डेफिनेटली उसका वीडियो लाएंगे। तो आपको बेदखली को लेके काफ़ी सवाल रहते हैं, मायने में काफ़ी दिक्कत भी रहती है आपके साथ, भाई बेदखली बाद बिल्कुल परमानेंट अमन अलग हो जाएंगे, प्रॉपर्टी से हमको अलग कर देंगे, बिल्कुल त्याग पत्र हो जाएगा हमारा, ये काफ़ी सवाल भी आते हैं। मैंने एक बेदखली का वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी सवाल भी आए थे, तो उन सवालों को देखते हुए जितने भी सवाल थे उन सबको लेके मैं ये पूरा प्रॉपरली वीडियो बनाया हूँ, और आई होप आपके जो भी डाउट था वो क्लियरली हो गया होगा इस वीडियो में, कि भाई पिता की प्रॉपर्टी अगर खुद की प्रॉपर्टी है, पिता ने खुद बनाया अपनी प्रॉपर्टी, तो उससे आपको बेदखल कर सकता है पिता पूर्ण रूप से, कोई दिक्कत नहीं है, वह चाहे तो उसमें आपको पार्टनर हिस्सा दे। पिता की प्रॉपर्टी में आप, मतलब खुद की पिता की प्रॉपर्टी है उसमें से आप तभी हिस्सेदार बन सकते हो जब आप पिता की केयरिंग कर रहे हो, मतलब सेवा पानी करते हो, तभी आपको उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। अदरवाइज दादा की प्रॉपर्टी तो उसमें से तो आपको डेफिनेटली आफ्टर उनको एक्सपायर होने के बाद आपका हिस्सा तो आएगा, जो आएगा पहले तो नहीं आ सकता लेकिन बाद में आ सकता है, या फिर आप उसमें से अच्छे से कर रहे हो, पापा पापा की केयरिंग कर रहे हो उनकी, तो भी आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भाई दादा की प्रॉपर्टी में से आप हिस्सा ले सकते हो, लेकिन पिता की प्रॉपर्टी में से आप किसी भी प्रकार से कोई हिस्सा नहीं ले सकते हो बेदखली होने के बाद।
तो आई होप दोस्तों आपका जो भी डाउट था क्लियरली हो गया होगा, यही डाउट सभी के माइंड में था बेदखली के वीडियो को लेके जो पूरा क्लियरली हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल होता है कमेंट में छोड़ दीजिए, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आपको बात करना अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।